तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत, जो क्लास टेंथ का आपका एक चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि विद्युत है क्या। तो विद्युत ऊर्जा के बारे में यहाँ पर दिया गया है, उससे जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो पर यूनिट चार्ज किसी भी पैटर्न में जब फॉलो होता है किसी एक लिमिटेड टाइम में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत। जैसे हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, तो ये जो Q है पर यूनिट चार्ज है, ठीक है, और T हो गया मेरा टाइम। तो किसी एक टाइम से जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी परिपथ से जब पास करती है, तो इसी को कहते हैं हम लोग विद्युत। अब जान रहे हैं कि ऊर्जा के बहुत तीन सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, लाइट भी है और हीट भी है। तो अगर हम उस चीज को देखो तो विद्युत एक ऊर्जा के तरह कार्य करती है। तो किसी चालक में, तो चालक में ही, सुचालक में तो कभी विद्युत ट्रांसफर होगा नहीं, तो किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है। अब ऊर्जा कैसे व्यय होती है, तो जब आप 100 वाट का या कोई बल्ब लगाओगे या हीटर लगाओगे तो वो गर्म होता है। तो गर्म जो होता है तो वो हम लोग वहां पर एक जो इनर्जी है वो लॉस करता है। तो वही है कि इनर्जी जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और आगे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि हीटिंग इफेक्ट क्या है उसका। तो सबसे पहली बात है कि विद्युत क्या है। तो किसी भी परिपथ में जब एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चार्ज फ्लो करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत। ये इसमें अभी नहीं दिया गया, उसको बोलते हैं हम लोग क्यू बाय टी। ठीक है, अब आता है कि यदि किसी चालक के सिरे के बीच की विभवांतर भी वोल्ट हो, विभवांतर मतलब जब हम एक चार्ज को दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो हम लोगों का ऊर्जा व्यय होता है वो अगर भी हो, और कूलम क्यू के आवेश में चालक से एक से दूसरे सिरे तक ले जाने में व्यय विद्युत ऊर्जा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू भी है। मतलब सीधी सी बात है कि भैया चार्ज है सपोज 5 कूलम और वोल्ट जो है, जो हम लोगों का एक तरह से कह सकते हैं कि क्या लग रहा है, विभवांतर जो है वो कुछ और है, तो ऊर्जा जो हम लोगों का व्यय होगा वो क्यू भी होगा। असल में ये बाद में पढ़ना हम लोगों को, इसके लास्ट टॉपिक में लगभग आएगा कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू भी। ठीक है, ये वर्क डन हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, तो मतलब वर्क डन हो रहा है किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा। जब इलेक्ट्रिसिटी बहती है तो वर्क डन होता है, तो किसके द्वारा वर्क डन हुआ, तो चार्ज के द्वारा। कब हुआ, तो जब एक फोर्स होता है जो उस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाती है, तो वही है। तो अब आता है कि विद्युत परिपथ क्या है। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सीधी सी बात है कि किसी एक सर्किट में जब लाइट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। और आवेश क्या है, तो आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है, यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। चार्ज -3Q भी हो सकता है और +3Q भी हो सकता है। तो चार्ज क्या है भैया, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो उसी तरह से जो आवेश है ये क्या है कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अब आता कि समान आवेश एक दूसरे के प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब सेम चार्ज को कभी भी जो है रिपेल ही करेगा, वो आपस में अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन असमान आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज जब रहेंगे तो दोनों मिलेगा, और जब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव रहेंगे तो वो कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। अब आता है ये कूलम होता है, इसका ऐसा यूनिट, ठीक है, और एक कूलम इक्वल टू 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन उपस्थित इसमें होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल में भी आता है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो सीधी सी बात है कि एक कूलम में 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। दूसरी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, अब आता है इसको हम लोग जानते हैं क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये एन ई है क्या। तो जब हम लोग चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे तो हम लोग जानते थे कि ये एक इंटीग्रल है, इंटीग्रल मल्टीपल है, एन जो है नंबर ऑफ चार्ज है और ई उसका नंबर है। देखिए क्यू इज इक्वल टू टोटल आवेश कितना है,
दूसरी बात है एन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सपोज 5 इलेक्ट्रॉन है तो ई जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मतलब यहां से अगर समझा जाए तो एक जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है 1.6 × 10⁻¹⁹ तो अगर पूछा जाए कि 5 इलेक्ट्रॉन पे तो हम उसको 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। सीधी सी बात है क्योंकि ये एक इंटीग्रल मल्टीपल है, मल्टीप्लाई होता जाता है। फिर आता है विद्युत धारा क्या है, तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आता है कि विद्युत धारा I = Q/T, मतलब आवेश बाय समय बाय समय बस समय आवेश बाय समय। ठीक है, धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। ठीक, अब आता है कि एक एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होती है। डिफाइन वन एम्पियर या 1 एम्पियर को दर्शाइए। तो हम सीधी सी बात जानते हैं कि जब 1 सेकंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी भी परिपथ में एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करती है तो वही 1 एम्पियर हम लोगों का कहलाता है। कि 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होती है, अर्थात 1 एम्पियर = 1 कूलम/1 सेकंड। अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर करते हैं, क्योंकि हम लोग जब छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी डील करते हैं, अभी ना हम लोग वाट किलोवाट तक जाते हैं, लेकिन जहां आप लेबोरेटरी में यूज करते हैं तो उतना ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते, तो हम मिली एम्पियर में करते हैं। तो यही है कि 1 एम्पियर = 1 कूलम/1 सेकंड और 1 मिली एम्पियर = 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर = 10⁻⁶ एम्पियर। ये ऑप्शनल में आता है, ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शनल में आ सकता है। अब आता है कि विद्युत धारा को हम लोग नाप कैसे सकते हैं। तो विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा को एम मीटर द्वारा मापा जाता है। ये एक डिवाइस है जो आपको लेबोरेटरी में मिलेगा, एक ए करके लिखा हुआ गोल, उसमें कांटा कांटा बना हुआ रहेगा। ठीक है, फिर आता है कि एम मीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। क्रम पढ़ाए थे, पैरेलल और सीरीज, यही है श्रेणी क्रम में जुड़ने वाला। ठीक है, फिर आता है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा नॉर्थ की ओर जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी मेरा साउथ की ओर जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन मेरा उत्तर की ओर जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो दक्षिण की ओर होगा। ठीक है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना जाता है। ठीक है, अब ये विभव क्या है और विभवांतर क्या है। हाँ, तो किसी बिंदु पर स्थित इकाई बिंदुवत धनावेश में संग्रहित विद्युत स्थिति ऊर्जा उस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होती है। समझिए, चार्ज है क्यू और उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो फोर्स लगता है वो असल में विभवांतर होता है। ठीक है, अनिश्चित पॉइंट से किसी एक पॉइंट पर लेकर के गए तब विभव हुआ, लेकिन जब दोनों पॉइंट निश्चित हो तो वो विभवांतर हो जाएगा, लेकिन जब एक ही पॉइंट जहां तक जाना है वो निश्चित हो तब वो मेरा विभव कहलाएगा। तो वही चीज है कि किसी बिंदु पर स्थित इकाई बिंदुवत धनावेशों में संग्रहित विद्युत स्थिति ऊर्जा उस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होती है। ठीक है, तो अब आता है विभवांतर क्या है। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से, पहले ना कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। और विभव नॉर्मल चीज है कि अनिश्चित स्थान से अनिश्चित पॉइंट से किसी एक पॉइंट पर जो लगाया गया कार्य है, किया गया कार्य है, उसी को हम लोग विभव कहते हैं। और विभवांतर हो गया जब दोनों चीज मेरा फिक्स हो, इनिशियल और फाइनल दोनों फिक्स हो, तो और उसी को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। अब आता है कि बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है किया गया कार्य = W/Q होता है। जैसे कि हम लोग सबसे शुरुआत में ही पढ़े हैं, यहां पर इसको देखिए कि W वर्क डन है, चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, हीटिंग इफेक्ट हम दे रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट है मतलब वर्क डन हो रहा है। और अगर वर्क डन है तो वो चार्ज
मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, जितना डिफरेंस उसमें लग रहा है, जितना कार्य किया जा रहा है उतना ही ना उसका वर्क डन होगा। अब एक ईंट को उठाने में और 10 ईंट को उठाने में किसमें वर्क डन ज्यादा होगा? 10 ईंट, तो हम कैसे जाने? सीधी सी बात है, नंबर ऑफ ईंट क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब यहाँ नंबर ऑफ चार्ज बढ़ेगा तो वर्क डन क्या होगा? बढ़ेगा। या एक ईंट को 1 किलोमीटर ले जाने में और एक ईंट को 10 किलोमीटर ले जाने में, दोनों में ज्यादा ऊर्जा किसमें खपत होगा? 10 किलोमीटर। तो विभांतर वही समझ लीजिए कि एक ही चार्ज है निश्चित पॉइंट से है, लेकिन जब उसको 1 किलोमीटर लेके जा रहे हैं तो हमारा ऊर्जा कम खपत हो रहा, लेकिन उसी को 10 किलोमीटर लेकर के जा रहे हैं तो हमारा ऊर्जा ज्यादा खर्च हो रहा। और वहीं से ये इक्वेशन निकल के आया है, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। देखिए वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्योंकि हम लोग देखे कि थे कि डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी था, वर्क डन जो हुआ, कितना चार्ज जा रहा है और कितना दूर तक जा रहा है, कितना पोटेंशियल है, तो वही है। ठीक है, अब आता कि 1 वोल्ट क्या है? तो सीधी सी बात है कि जब 1 जूल ऑफ एनर्जी किसी भी एक चार्ज को ले जाने में लॉस हो या लगे, उसी को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। देखिए 1 वोल्ट, जब 1 कूलम आवेश को ले जाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है तो विभांतर 1 वोल्ट कहलाता है। ये 1 जो है ना, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफाइन करने आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से नोट भी करते हैं। अब ये सी पे -1 क्या है, ये थोड़ा दिमाग में घूम रहा होगा। तो कुछ नहीं है भैया, अगर आप पढ़े होंगे घातांक तो आपको याद होगा कि 1/10 है, तो हम इसको 10^-1 भी लिख सकते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर, क्यू क्या है यहाँ पर, क्यू क्या ऐसा यूनिट, कूलम, कूलम, तो यहाँ पर कूलम पे -1 चला गया। क्लियर है? अब आता वोल्ट मीटर, तो विभांतर को मापने की युक्ति को ही वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, और इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्व मतलब पैरेलल में ये जुड़ता है। ठीक है, ये सीरीज में नहीं रहता। फिर आता कि सेल, तो यह एक सरल युक्ति है जो विभांतर को बनाए रखती है। ठीक है, और विद्युत धारा हमेशा उच्च विभांतर से निम्न विभांतर के ही तरफ जाती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, अब आता है ओम का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 10th का, कि ओम ने क्या नियम दिया था। तो सीधी सी बात है भैया, वी इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझिए, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है कि जो जो हम इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा। समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वर्क डन, मान लीजिए कि मेरा डिस्टेंस है, तो भैया जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, Q/T। ठीक, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो स्वाभाविक है कि बढ़ेगा। ठीक है, और उसका जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टूटता है तो निकलता है R, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस या प्रतिरोधक कहते हैं। और ये प्रतिरोध क्या है, तो किसी भी सुचालक या कुचालक का ये इंटरनल एक कैपेबिलिटी होता है कि वह इलेक्ट्रिसिटी को रोके, रेसिस्ट करे, ठीक है, बांधे। तो वही चीज है, तो किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरे के बीच विभांतर उसपे प्रभावित होने प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, विभव भी बढ़ेगा, विभांतर भी बढ़ेगा। ठीक है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए भैया, टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो इस पर डिपेंडेंस खत्म होगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस घट जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास करने लगेगा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का सिलेबस का भी चीज नहीं है तो इस पर ज्यादा जोर नहीं डालेंगे। तो सीधी सी बात है कि तापमान क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, और इसी को हम लोग ओम का नियम भी कहते हैं। फिर आता है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट जब टूटा तो आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहा जाता है। तो प्रतिरोध है क्या, ठीक, तो यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता, रोकता है। ठीक है, और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम कहलाता है, जिसको हम लोग ऐसे करके ऐसे ये दिख रहा है ना, इसे लिखते हैं, इस
इसे ग्रीक भाषा के शब्द ओम से निरूपित किया गया है। ओम के नियम के अनुसार आर इजकल टू वी बाय आई होता है, मतलब रेसिस्टेंस कितना लगा। तो भैया जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी से तो हमारा निकल जाएगा। और वन ओम डिफाइन वन ओम भी आता है कि वन ओम क्या है, तो जब एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या विभांतर होगा एक एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी में तो उसी को हम लोग वन ओम कहेंगे। जब परिपथ में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभांतर एक वोल्ट का हो तो प्रतिरोध एक ओम कहलाता है। ठीक है, अब आता है प्रतिवर्ती परिवर्ती प्रतिरोध। तो स्रोत के वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को प्रतिवर्ती, वही जो रेसिस्टर यूज किया जाता है वही रेसिस्टर, एक छोटा छोटा एक डिवाइस होता है ये लैब में पाया रहता है। ठीक है, अब आता है धारा नियंत्रक क्या है। तो परिपथ में प्रतिरोध के परिवर्तन करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक भी कहते हैं। ठीक है, अब आता कि वो कौन कौन सा जो कारण है जिस पे डिपेंडेंट है क्या, तो प्रतिरोध। तो सबसे पहला चीज है कि चालक की लंबाई का समानुपात है, मतलब R is equal to directly proportional to L। जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध वैसे वैसे बढ़ेगा। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतिक्रमानुपाती होता है, मतलब उसका उल्टा रेसिप्रोकल। R is equal to inversely proportional to 1/A। A क्या है, सीधी सी बात है, समझिए एक चीज को, हमारे पास 10 लीटर पानी है और एक हम 10 मीटर का पाइप लिए हैं और उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है और हम एक 30 मीटर का पाइप ले लिए और उसका भी डायमीटर सेम है, जो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो सबसे पहले पानी किससे पास करेगा, लंबाई नहीं छोटे वाले से, जिसका लंबाई छोटा, पानी खत्म हो जाएगा तुरंत। लेकिन इसमें क्या होता है कि व्यतिकरण रेसिप्रोकल होता, मतलब एक लेंथ सेम है इस बार और हम उसका जो गोलाई है छेद है वो बड़ा ले लेंगे, तो जिसका ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरा खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा जल्दी छेद जिसका बड़ा होगा। और आता कि तापमान के समानुपाती होती है, मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब आता है कि पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ये उसका प्रकृति नेचर भी कैसा है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि क्या है। ठीक है, अब देखिए, तो एक मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह एक प्रतिरोधक कहलाता है। ठीक है, और प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक जो है वो ओम मीटर है। ठीक है, ठीक, क्योंकि वो होता है R is equal to L by A। ठीक है, लेंथ का है नॉर्मल मीटर और एरिया का है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, प्रतिरोधक चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। ठीक है, वही चीज है कि धातुओं और मिश्र धातुओं का प्रतिरोधक परिसर 10^-8 एंड 10^-6 ओम मीटर रहता है। और फिर आता है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। सीधी सी बात है कि एलॉय में रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक, ब्रॉन्ज हो गया हमारा, हम कह सकते हैं तांबा पीतल, ये सब में जो हमारा रेसिस्टेंस होगा प्रतिरोध होगा वो ज्यादा होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। लेकिन नॉर्मल हम तांबा का तार यूज कर रहे हैं तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास करेगा, ज्यादा पास क्या मतलब उसका प्रतिरोधक कम है। अब आता है कि मिश्र धातु का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता है, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में भी किया जाता है। टंगस्टन क्या है, वही है ना, उसको यूज किया जाता है बल्ब में, क्यों कि भैया ये जल्दी जो है, हाँ ठीक है। फिर आता है कि तांबा व अल्मोनियम का उपयोग विद्युत संरचना के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। ठीक है, रेसिस्टेंस उसका क्या होता है, कम होता है।
अब आता है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणीकरण संयोजन क्या है, जब दो या तीन प्रतिरोधक को एक सिरे से दूसरे सिरे में लगकर जोड़ा जाता है तो उसी को हम लोग संयोजन श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। और ये श्रेणीक्रम का कुल प्रभावी प्रतिरोध है R=R1+R2+R3। ठीक है, फिर आता प्रति प्रतिरोधक, प्रत्येक प्रतिरोधक में एक समान धारा प्रवाहित, इलेक्ट्रिसिटी क्या मेरा सेम है, डिफरेंट नहीं होगा। तथा कुल विभांतर जो होते हैं वो व्यक्तिगत प्रतिरोधकों के विभांतर का योग होता है। और फिर ये आपका दिया हुआ है V=V1+V2+V3। और हम जब यहां से देखें तो ये IR1V2 V=IR हम लोग पढ़े हैं, तो क्या हम लोग V1 को IR1 नहीं लिख सकते हैं और यहाँ V2 को IR2 नहीं लिख सकते हैं और V3 को IR3। और अगर सही में इसको देखा जाए, अगर हम सिर्फ इससे क्या निकाल ले, V1 तीनों को जोड़ दे और ये तीनों जुट गया, तो यहां से क्या I जो है कॉमन निकल जाएगा। और अगर I कॉमन निकल गया तो हम इसको डायरेक्टली जो है काट भी सकते हैं, ये कॉमन निकाल के यहां पर। ठीक है, तो रेसिस्टेंस भी होता है कि ट्रिपल जो इसका तीनों रेसिस्टेंस है या चार पांच जितना भी रेसिस्टर्स तो सबको जोड़ देंगे तो वो एक बढ़िया रेसिस्टेंस जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो होगा। सीधी सी बात है भैया, सीरीज पानी बह रहा है, एक दीवार सामने में कर दिए, फिर एक दीवार सामने में किए, फिर एक दीवार की, तो ये तो रोकेगा सब दीवार मिल करके ना, तो उसका जो स्पीड होगा पानी का फ्लो का वो क्या होगा, कम हो जाएगा। अतः एकल तुल्य प्रतिरोधक सबसे बड़ी व्यक्तिगत प्रतिरोध मानी जाती है। अब आता कि पार्श्व में संयोजित प्रतिरोधक क्या है, तो जब तीन प्रतिरोधकों को एक साथ बिंदुओं मतलब एक ही पॉइंट है और यहां से एक लगा दिए, यहां दो और यहां से तीन, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, पार्श्व संयोजन कहलाता है, इसको हम लोग इंग्लिश में पैरेलल। ठीक है, अब आता है कि इसमें जो है प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभांतर उपयोग किए गए विभांतरों के बराबर होता है, तथा कुल धारा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोधक में से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। अब इसमें जो है करंट तो भैया एक पास किया, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, आगे जो तीन लगाए इसका अलग करंट, इसका अलग करंट और इसका अलग करंट। तो अब आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पास पारिक्रम संयोजन के लाभ क्या क्या है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो घर में हम लोग चाइनीज बल्ब जलाते थे, तो पहले आता था कि एक लाइन से होल्डर लगा हुआ है और एक भी बल्ब अगर फ्यूज कर गया तो अगला कोई भी बल्ब नहीं जलेगा या पिछला भी कोई भी बल्ब नहीं। लेकिन अभी का जो नया मॉडल का निकला है बल्ब, उसमें एक अगर फूट भी रहा है तो वो सारा जलेगा, वो नहीं बंद होगा। वही चीज है कि अगर श्रेणी में एक भी खराब हुआ तो आगे इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करेगा, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है। एक खराब हुआ तो भैया डिस्ट्रीब्यूट दूसरे वाले में तो हो रहा, वो पास करेगा, तीसरे वाले में तो हो रहा, सीधी बात है। तो अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। ठीक है, तो यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक ही होती है, I=same सभी रेसिस्टर में, और पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है, रेसिस्टेंस कम होता है। ठीक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव वही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, कुछ ना कुछ गर्म होगा वस्तु जिससे वो पास कर रहा है, तो गर्म होगा तो वही तो हीटिंग इफेक्ट है, और गर्म हुआ मतलब वहां पर क्या हो रहा है कि एनर्जी लॉस हो रहा है या कोई भी वर्क डन हो रहा है। तो अब आता है कि यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से उष्मा के रूप में क्षयित होती है और इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कंडक्टर से पास करेगा
तो वहां पर थोड़ा सा वो गर्म होगा। उससे बचने के लिए आजकल पीवीसी पाइप यूज किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं होता। पहले लोग के घर में आग लग जाता था, क्यों? नॉर्मल तार रहता था, सॉरी पीवीसी पाइप बोलते हैं, उसके ऊपर तार के ऊपर पीवीसी कोटेड रहता है, जिससे गर्म ज्यादा वो नहीं होता। तो अब आता है कि ऊर्जा इक्वल टू शक्ति इंटू समय, एच इक्वल टू पी इंटू टाइम, पी से पावर, कितना पावर वो ले रहा है, ठीक है, और कितना समय तक। तो पी इक्वल टू हम लोग वी आई भी जानते हैं, ठीक है, और वी को हम लोग आई आर भी जानते हैं, तो उस हिसाब से हम इसको एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और H क्या है भैया, तो ऊष्मा ऊर्जा है, सीधी सी बात है, और अतः उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा जो है वो I स्क्वायर आर टी है, मतलब कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है उसका स्क्वायर प्रतिरोधक को गुना करेंगे, और कितना समय तक वो हो रहा है तो उसको करेंगे, तो हमको कितना हीट लॉस हो रहा है या वर्क डन हो रहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता कि जूल का विद्युत धारा का तापन नियम, इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। सीधी सी बात है भैया, क्या उतना थ्योरी, जो यहाँ पर उत्पन्न उष्मा है वो क्या है, यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा है ये विद्युत धारा उसके समानुपाती, वर्ग के समानुपाती हो रही है, स्क्वायर, ठीक है, तो आई स्क्वायर, समझ में बात को। फिर आता है कि प्रतिरोध के समानुपाती होती, जितना रेसिस्टेंस है उसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के भी समानुपाती होती है, जितना समय लेगा उतना ज्यादा हीट होगा। सीधी सी बात है, ये घर में भी हम लोग देख सकते हैं कि जितना ज्यादा हम लोग किसी भी 100 वाट के बल्ब को जलाएंगे उतना ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब आता कि तापन प्रभाव हीटर प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। कंप्यूटर कंप्यूटर में ये चीज नहीं होता है, नहीं कि मोबाइल गर्म हो रहा है समझ आओ कि वहां पर तो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, वैसा नहीं है, मोबाइल में खराबी है, जाकर दिखा दुकान को, ठीक है। अब आता है कि विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति उष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित हो जाती है, ठीक है। फिर आता है कि विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि अब क्यों बना हुआ रहता है, यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता है, और इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, गलेगा भी ये नहीं। फिर आता कि बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भी भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। फिर आता है विद्युत शक्ति, तो कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, कितना पावर है उसके पास, तो जितना काम कर रहा है उतना पावर है, ठीक है। तो वही कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। अब आता है किसी विद्युत परिपथ में उपभुक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, इसे विद्युत शक्ति भी कहते हैं, और शक्ति पी को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, पी इक्वल टू वी आई, ठीक है, और शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है, जो घर में जब बिल आता होगा तो बताता होगा कि कितना वाट आप ऊर्जा खर्च किए हैं, उस हिसाब से आपको बिल आता होगा, 405 रुपया, 1000 रुपया, ठीक है। और 1 वाट इंटू 1 वोल्ट इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ये है ना पावर। पावर ये गलत है भैया, नोट्स थोड़ा बड़ा, बहुत सारा गलती इसमें पकड़ लिए ऊपर में भी, ठीक है। तो अब आता है कि P इज इक्वल टू, ये जो पावर है, तो पावर को हम लोग जानते हैं किस चीज में, वाट में, इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, बहुत जगह गलती है नोट्स में, ठीक। अब आता है कि ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक जो है किलो वाट घंटा है, किलो वाट आवर, ठीक है, और 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। और फिर आता है कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू विद्युत ऊर्जा का 1 यूनिट, और ये चैप्टर आपका लगभग खत्म हो गया।